Press the bell icon on YouTube app and never miss an update. दोस्तों, यह मोहम्मद रफी साहब और हेमलता जी का संगीत सफर एक साथ और मोहम्मद रफी साहब ने हेमलता जी के साथ में टोटल 18 गीत गाए हैं। इस कॉम्बिनेशन में सबसे पहले 1969 में फिल्म आई जीने की राह। इस फिल्म में रफी साहब ने हेमलता आशा जी और उषा मंगेशकर जी के साथ में एक गीत गाया है और इस गीत में रफी साहब की आवाज जितेंद्र और हेमलता जी की आवाज बेबी गायत्री जी पर फिल्माई गई है। गीत के बोल हैं, चंदा को ढूंढने सभी तारे निकल पड़े। चंदा को ढूंढने सभी तारे निकल पड़े। यह है हेमलता जी के बोल। में ही फिल्मी नतीजा। इस फिल्म में रफी साहब ने हेमलता जी के साथ में एक गीत गाया है और इस गीत में रफी साहब की आवाज विनोद खन्ना और हेमलता जी की आवाज बिंदु जी पर फिल्माई गई है। गीत के बोल हैं, दिल करने लगा है प्यार तुम्हें। दिल करने लगा है प्यार तुम्हें, प्यार तुम्हें। यह है हेमलता जी के बोल। फिर 1970 में फिल्म आई माँ और ममता। इस फिल्म में रफी साहब ने हेमलता और बीरबल जी के साथ में एक गीत गाया है और इस गीत में रफी साहब की आवाज जितेंद्र, हेमलता जी की आवाज मुमताज और बीरबल जी की आवाज बीरबल जी पर फिल्माई गई है। गीत के बोल हैं, राज कपूर की नीली आंखें देवानंद की चाल। राज कपूर की नीली आंखें देवानंद की चाल, धर्मेंद्र का मर्दानापन और दिलीप से बाल। यह है रफी साहब के बोल। पुजारी हुस्न का हूँ मैं, न दीवाना जवानी का। 1970 में ही फिल्म ही जवाब। इस फिल्म में रफी साहब ने हेमलता और आशा जी के साथ में एक गीत गाया है और इस गीत में रफी साहब की आवाज जितेंद्र, हेमलता जी की आवाज अरुणा ईरानी और आशा जी की आवाज ज्योति लक्ष्मी जी पर फिल्माई गई है। गीत के बोल हैं, चली कहाँ हस्ती गाती चंचल नदियाँ शोर मचाती। चली कहाँ शोर मचाती। यह है हेमलता जी के बोल। यह है रफी साहब के बोल। मुझे किसने पुकारा किया दूर से इशारा ए जी बोलो। फिर 1971 में फिल्म आई लड़की पसंद है। इस फिल्म में रफी साहब ने हेमलता जी के साथ में एक गीत गाया है और इस गीत में रफी साहब की आवाज दीपक कुमार और हेमलता जी की आवाज मुमताज जी पर फिल्माई गई है। गीत के बोल हैं, अपना तो फैसला है लड़की पसंद है। अपना तो फैसला है लड़की पसंद है। यह है हेमलता जी के बोल। ये हुस्न ये शबाब तुम्हारे लिए तो है। 1971 में ही फिल्म ईशाने खुदा। इस फिल्म में रफी साहब ने हेमलता जी के साथ में एक गीत गाया है और इस गीत में रफी साहब की आवाज एक जूनियर कलाकार और हेमलता जी की आवाज अजरा पर फिल्माई गई है। गीत के बोल हैं, ये रोजा रोजे की शान अल्लाह अल्लाह। ये राजा ये राजे की शान अल्लाह अल्लाह, जमी बन गई आसमान अल्लाह अल्लाह। यह है हेमलता जी के बोल। में ही फिल्म दोस्त और दुश्मन। इस फिल्म में रफी साहब ने हेमलता जी के साथ में एक गीत गाया है। गीत के बोल हैं, सनमा और मेरे प्यार का बनाईता काहे रायता। सनमा ओ मेरे प्यार का बनाईता काहे रायता। यह है रफी साहब के बोल। बुबली मेरा काय को तू भुरता बनाईता। 1971 में ही फिल्म आप आए बाहर आई। इस फिल्म में रफी साहब ने हेमलता जी के साथ में एक गीत गाया है और इस गीत में रफी साहब की आवाज राजेंद्र कुमार और हेमलता जी की आवाज बॉबी पर फिल्माई गई है। गीत के बोल हैं, तारे कितने नील गगन पे तारे। तारे तारे कितने नील गगन पे तारे। यह है हेमलता जी के बोल। तुम ही मेरे डैडी और तुम ही मेरी
फिर 1972 में फिल्म कांच और हीरा। इस फिल्म में रफी साहब ने हेमलता जी के साथ में एक गीत गाया है और इस गीत में रफी साहब की आवाज पंकज और हेमलता जी की आवाज शाहीन वानों पर फिल्माई गई है। गीत के बोल हैं, ये भीगी फिजाएं इन्हीं में खो जाएं, ये भीगी फिजाएं इन्हीं में खो जाएं। फिर 1976 में फिल्म जाने मन। इस फिल्म में रफी साहब ने हेमलता जी के साथ में एक गीत गाया है और इस गीत में रफी साहब की आवाज देवानंद और हेमलता जी की आवाज हेमा मालिनी जी पर फिल्माई गई है। गीत के बोल हैं, इस मुलाकात का बस मजा लीजिए, इस मुलाकात का बस मजा लीजिए। यह है हेमलता जी के बोल। फिर 1977 में फिल्म आई दो चेहरे। इस फिल्म में रफी साहब ने हेमलता मन्ना डे और मीनू पुरुषोत्तम के साथ में एक गीत गाया है और इस गीत में रफी साहब की आवाज राम मोहन, मन्ना डे जी की आवाज प्रेम नाथ, हेमलता और मीनू पुरुषोत्तम जी की आवाज बिंदु पर फिल्माई गई है। गीत के बोल हैं, आज की रात पीने दे साकी, आज की रात पीने दे साकी। यह है रफी साहब के बोल। एक पल और जीने दे साकी। यह है हेमलता जी के बोल। आँख मेरी है मस्त मेहमाने, होंठ मेरे छलकते बेमाने। फिर 1979 में फिल्म आतिश। इस फिल्म में रफी साहब ने हेमलता जी के साथ में तीन गीत गाए। पहला गीत जिसमें रफी साहब की आवाज जितेंद्र और हेमलता जी की आवाज रिंकू और निरूपा राय जी पर फिल्माई गई है। गीत के बोल हैं, ओ मेरी लाडली प्यारी बहना, ओ मेरी लाडली प्यारी बहना। यह हेमलता जी के बोल। और इसी फिल्म का दूसरा गीत जो जितेंद्र जी और रिंकू पर बैकग्राउंड में फिल्माया गया। गीत के बोल हैं, आज ना जाने क्या से क्या हो जाता, आज ना जाने क्या से क्या हो जाता, ये रक्षाबंधन बन गया जीवन दा। यह हेमलता जी के बोल। जिसको तरसी अब वो प्यार मिला है। और तीसरा गीत जिसमें रफी साहब की आवाज जितेंद्र, हेमलता और आशा जी की आवाज नीतू सिंह और भूषण मेहता जी की आवाज मदन पुरी जी पर फिल्माई गई है। गीत के बोल हैं, तेरे चाहने वाले आए हैं, तेरे चाहने वाले। यह है हेमलता जी के बोल। कह दो इन लोगों से जाए और कहीं ये तो नाम के आशिक आए हैं। यह है रफी साहब के बोल। हकीकत है हकीकत, कहानी है कहानी, तुम्हीं से है मोहब्बत, तुम्हीं हो जिंदगानी। 1979 में ही फिल्म आई राजा हरीश चंद्र। इस फिल्म में रफी साहब ने हेमलता जी के साथ में एक गीत गाया है और इस गीत में रफी साहब की आवाज आशीष कुमार और हेमलता जी की आवाज नीरा पर फिल्माई गई। गीत के बोल हैं, खरीदो मुझे खरीदो, दासों का दास बना लो, खरीदो मुझे खरीदो, दासों का दास बना लो। यह है रफी साहब के बोल। बस थोड़ा सा सम्मान मिले, जिंदगी भर का सामान मिले। फिर 1980 में फिल्म खून खराबा। इस फिल्म में रफी साहब ने हेमलता जी के साथ में एक गीत गाया है और इस गीत में रफी साहब की आवाज विनोद मेहरा और हेमलता जी की आवाज बिंदिया गोस्वामी जी पर फिल्माई गई है। गीत के बोल हैं, होली आई रे होली आई रे, होली आई रे होली आई रे, रंग रंगीलों की होली आई रे। यह है हेमलता जी के बोल। '80 में ही फिल्म बद्रीनाथ धाम। इस फिल्म में रफी साहब ने हेमलता जी के साथ में एक गीत गाया है जिसके बोल हैं, आंखें खोलो भक्तों देखो हो गया नया सवेरा, आंखें खोलो भक्तों देखो हो गया नया सवेरा। यह है हेमलता जी के बोल। इन नैनों का क्यों
और दोस्तों लास्ट 1982 में फिल्म आई मेहरबानी, इस फिल्म में रफी साहब ने हेमलता जी के साथ में एक गीत गाया है और इस गीत में रफी साहब की आवाज महेंद्र संधू और हेमलता जी की आवाज सारिका जी पर फिल्माई गई है। गीत के बोल हैं, मुझे दे दो ये रसीले होंठ, मुझे दे दो रसीले होंठ ये आंखें नशीली। यह है हेमलता जी के बोल, मुझे दे दो। दोस्तों ये था मोहम्मद रफी साहब और हेमलता जी का संगीत सफर एक साथ। आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक करना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।